टीम इंडिया में डेब्यू मैच खेलकर ही रातों रात स्टार बन गया भारत का डॉन ब्रैडमैन। टेस्ट में दिखाया T20 वाला अंदाज, युवा शेयर ने अंग्रेजों को दिखा दी उसकी औकात। तो क्या है खबर की पूरी जानकारी, कौन सा वो खिलाड़ी है जो कि दोस्तों डेब्यू में ही रातों रात डॉन ब्रैडमैन वाला खिलाड़ी बन चुका है, सब कुछ बताने वाले हैं इस वीडियो में। बस आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना और अगर वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा टेस्ट मुकाबला राजकोट में चल रहा है। इससे पहले खेले गए दो टेस्ट मुकाबले ऑलरेडी एक एक टीम द्वारा जीते जा चुके हैं, यानी ये सीरीज एक एक से बराबर है। ऐसे में तीसरा टेस्ट मुकाबला अपने आप में काफी ज्यादा जरूरी टेस्ट मुकाबला रहने वाला है और ये टेस्ट मुकाबला जीतकर भारतीय टीम इस सीरीज में 2-1 की एक अजय बढ़त बनानी चाहेगी। लेकिन दोस्तों टीम इंडिया दूसरा टेस्ट मुकाबला जीते उसके लिए भारतीय टीम जो पहले इनिंग में बल्लेबाजी कर रही है उसको काफी ज्यादा लंबा स्कोर करना होगा। पर दोस्तों यहां पर इसी बीच एक ऐसे खिलाड़ी का डेब्यू हुआ जिसने काफी ज्यादा कमाल की बल्लेबाजी की। दरअसल दोस्तों पहले टेस्ट मुकाबले में जहां सब लोग उस खिलाड़ी का वेट कर रहे थे उसको मौका मिला तीसरे टेस्ट मुकाबले में। जब यहां पर दोस्तों 15 फरवरी को टॉस हुआ तो रोहित शर्मा ने दो खिलाड़ियों के डेब्यू का अनाउंसमेंट किया। पहला नाम था राजेंद्र पाटीदार का और दूसरा नाम था दोस्तों मोस्ट अवेटेड सरफराज खान का। सरफराज खान ने दोस्तों डेब्यू पर ही बता दिया कि वो आने वाले 10 से 15 सालों में टीम इंडिया के लिए बादशाहत कायम करने वाले हैं। जी हां दोस्तों 25 से 26 वर्षीय सरफराज खान जिसको लेकर दोस्तों काफी ज्यादा बज बना हुआ था, उन्होंने दिखा दिया कि आने वाले समय में टीम इंडिया के लिए वो सुपरस्टार खिलाड़ी बनेंगे। जब उनको कैप थमाई गई तो काफी इमोशनल माहौल हो गया था क्योंकि उनके पापा उनकी पत्नी लगातार रो रहे थे। ऐसा लग रहा था दोस्तों कि सरफराज खान का डेब्यू पूरा देश इंतजार कर रहा था क्योंकि सोशल मीडिया हो या फिर दोस्तों क्रिकेट फैंस हो पूरी तरीके से पागल हो गए जैसे ही सरफराज को डेब्यू का मौका मिला। और ऐसे में दोस्तों सरफराज खान ने किसी को निराश भी नहीं किया। डेब्यू मैच में मौका मिलते ही सरफराज खान ने धुआंधार बल्लेबाजी की, जहां एक तरफ भारतीय टीम के शुरुआती विकेट जल्दी गिर गए थे। पहला विकेट 22 रनों पर गिरा, दूसरा विकेट 24 रनों पर और फिर तीसरा विकेट दोस्तों रजत पाटीदार के आउट होने के बाद यहां पर 33 रनों पर गिर चुका था। तीन विकेट गिरने के बाद अब कमान थी रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा के हाथों में। उसके बाद दोस्तों रविंद्र जडेजा और रोहित शर्मा ने एक अच्छी पार्टनरशिप करी, लेकिन उसके बाद रोहित शर्मा 237 रनों पर आउट हो जाते हैं। ऐसे में दोस्तों रोहित शर्मा के शतक लगाने के बाद बल्लेबाजी करने आते हैं सरफराज खान। अब जिम्मेदारी थी रविंद्र जडेजा और सरफराज खान के सिर पर और इन दोनों ने इस जिम्मेदारी को काफी ज्यादा बखूबी अच्छी तरीके से निभाया। सरफराज खान ने इस दौरान 66 गेंदों में 62 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली जिसमें उन्होंने 9 चौके और 1 छक्का लगाया। सरफराज खान की इस धुआंधार बल्लेबाजी की वजह से दोस्तों भारतीय टीम का स्कोर पूरे दिन के खत्मापति होने पर 326 रन पहुंच गया था। भले ही दोस्तों इस मुकाबले में सरफराज खान को दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से रन आउट होना पड़ा, लेकिन जिस तरीके की कमाल की बल्लेबाजी उन्होंने T20 अंदाज वाली बल्लेबाजी की, क्योंकि अगर उनका स्ट्राइक रेट आप देखोगे तो 93-94 का रहा है और इस दौरान दोस्तों उन्होंने पूरी की पूरी इंग्लैंड को उनकी औकात दिखा दी क्योंकि बेन स्टोक्स लगातार इनके ऊपर अटैक कर रहे थे और फील्डिंग पोजीशंस में काफी बदलाव कर रहे थे, लेकिन उसके बाद भी सरफराज नहीं रुके और क्या कमाल का खेल दिखाया सरफराज ने। आप किस पर क्या राय है कॉमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।